कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन है गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज वैसे घर पे हूँ और टीटू, जब भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ टीटू आ जाता है। क्यों करते हो? तो उसे खाया हुआ मक्का फिर से खाता है, ऐसे काम क्यों करते? इसके सर पे देखो, मैंने हाईलाइटर से ऐसे बिंदी बनाई, सर टीका लगा दिया टीटू। जैसे होता नहीं है कि जैसे रात को अगर अंधेरे में एक ही बल्ब जलाओ तो पूरे कीड़े एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, वैसे अगर मैंने पकड़ दिया हाथ में वाला ट्राईपॉड वगैरह सब पकड़ दिया तो टीटू भी आ जाएगा और प्राची भी आ जाएगी। गाइस, ये है शाम का टाइम और अब जा रहे हैं हम घूमने, तो देखते हैं अभी बारिश आई थी हल्की हल्की, तो तब भी घूमने चलते हैं। पहले हम जाएंगे निट्टून के घर, तो वहाँ से देखेंगे कहाँ जाना घूमने। गाइस चलते हैं। हेलो आदि, अब ये दोनों मेकअप कर रहे हैं। सालू, अभी मैं मेकअप पे बिजी हूं। गाइस मैं हूं अभी आदि उनके छत में, तो ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ हड़ताल है लाइट की, तो एक दो दिन बता रहे हो कि एक दो दिन तक हड़ताल है। तो मैंने आदि के पापा जी हैं, मतलब मेरे मामा जी, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं बचपन से अभी तक, जब मैं वैसे मतलब इन्वेंशन वगैरह करता था इलेक्ट्रिकल वगैरह सब चीज़ें वाला, तो मेरा बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब कुछ कुछ कंपोनेंट छोटे से छोटे कंपोनेंट वगैरह दे देते थे। तो उनके पास इन्वर्टर है, तो मैंने उनको टैप दे दिया था चार्ज करने के लिए। चलो अब चलते घूमने, वो बोल रही है घूमने चलो, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। आदि तो कौन सी क्लास में पढ़ता है? और सुना, और कैसा लग रहा है तुझे लॉकडाउन? बहुत बेकार। दादी जी प्रणाम। ये है हिमगिरी एक्सप्रेस, ये जाती है कोटद्वार। आदि सुन, तो चार्ली तुझे कभी काटता नहीं है? नहीं है, बचपन में काटा था यहाँ पे बहुत जोर से। और तेरे एक बार पैर में खिचड़ी भी गिरी थी ना? खिचड़ी नहीं गिरी थी, पर सर में पैर चले गया था। और तुझे कितना दर्द हुआ होगा? बहुत जोर से चला था। हैं, अब सही हो गया? अब भी दर्द होता है क्या? हाँ, अपने पापा। अच्छा, गया कैसे था तू? मतलब भाग रहा था कहीं जी? चेयर में बैठ रखा था, ऐसे चेयर हिलने वाली थी, घट मेरा पैर। आपको कैसे पता चलता है कि चियों कब होते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि चियों कब होते हैं? बरसात के टाइम पे होते हैं। और ये कौन से वाली चियों होते हैं, पहले कौन सी प्रजाति होती है इनकी? अच्छा, दिखाओ तो थोड़ा, यहाँ पे से थोड़ा सा देखो। गाइस कुछ ऐसे जी होते हैं। अरे नीचे गिर गया, पकड़ दो। आदि नमस्ते आंटी जी। इनकी कुछ खुफिया बातें हो रही है जो हम सुनने जा रहे हैं। ये तो अकेले घूम रही है गाइस सालू, और इधर साधल चल रहे हैं क्योंकि ये दोनों फ्रेंड है। आदि तुझे क्या लगता है कि हड़ताल क्यों करी होगी इन्होंने? कांच नहीं पढ़ाई गई है इसलिए इन्होंने हड़ताल की है। देखो गाइस, फ्री फायर लवर्स। गाइस आदि अब अपनी केटीएम में जा रहा है, आपको दिखाता हूँ। देखो बैठ गया आदि अपने केटीएम में। तो आदि तूने कब खरीदी थी केटीएम? केटीएम को 3 साल हो स्वागत तो करो हमारा बहुत ज्यादा। अगर आपको जंगल में या फिर साइड में कहीं भी ऐसे गिरे पड़े मशरूम मिलेंगे, मतलब उगे हुए, तो आप खुशमत हो जाना, ऐसा मैं समझ लें खजाना मिल गया, क्योंकि वो जहरीले होते हैं और टाइट फीस हो जाती है उनसे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस गड्ढे में कूदूंगा तो ये सलवार बहुत जोर से। हर लोग बच्चे करते हैं, शैतानी। कालू जी आपकी उम्र कितनी है? कालू जी की उम्र होगी गाइस 25 साल। इसकी 3 साल, इसकी मुझे लग रहा है 7 साल होगी इसकी। 7 हमने पाला है वो 5 साल से। बचपन से पाला हमने उसे। देखो ये भी एक टाइप के मशरूम है, लेकिन इन्हें विस्सियों बोलते हैं क्योंकि ये भी बारिश में होते हैं, लेकिन इनमें जहर होता है। अबे क्या हुआ इस बोर्ड में, गलत लिख दिए क्या इन्होंने? आंटी जी कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हम तो घूम जा रहे हैं। अच्छा, बाय बाय गाइस। मौसम भी है और हल्की हल्की बारिश भी है, तो जंगल में गाना गाने का मन होता है थोड़ा।
अकेला अकेले इतने ज्यादा लोग हैं, पीछे भी लोग हैं, लेकिन तब भी जंगल में थोड़ा मन खुला एकदम, कुछ भी करो। तो मैं सुनाता हूँ आपको गाना एक, तुम क्यों चले आते हो अरे रोज मेरी बाहों में, चुपके से आई जाओ एक दम मेरी बाहों में। मामी प्रणाम, मामी प्रणाम, दीदी प्रणाम। गाइस जब बारिश बंद होती है और ठंड एकदम चारों तरफ कोहरा, तब बहुत ज्यादा मजा आता है घूमने में, और तब भी ज्यादा मजा आता है जब ठंडों का मौसम हो। इसमें पॉज करने में लगा हुआ है, देखो अब ये गाना गाएंगे, 150 रुपए लेगा। हाँ, गाल में तो भी 150 रुपए दे देगा। वाह, सुनाओ ना। 1 2 3 स्टार्ट। पर कौन सा? मैं भी इसे तो ट्यून दूंगा बस। वाह यार, वाह, ताली बजाओ उसके लिए, सब ताली बजाओ, गाना नहीं कर ताली बजाओ। वाह, ये होना चाहिए ना। ये देखो कितना अच्छा व्यू आता है यार, मजा आ जाती है ये चीजें देख के। आज सुबह अगर मैं आपको दिखाता तो सुबह तो पूरा एकदम लपोड़ा लपोड़ हो रही थी। गाइस घूमते घूमते मुझे मेरी दीदी मिल गई। दीदी कैसी हो आप? बढ़िया, कैसे हो वैभव? बस दीदी मैं तो सही हूँ। ओके, पढ़ाई कैसी चल रही है? बस मेरे सही चल रही है। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन फॉर अचीविंग 91% मार्क्स। ओके, थैंक यू। हु टोल्ड यू? पता चल जाता है, वायरल YouTube के जैसे वायरल हो जाती है हर वीडियो। आपका मेहनत का राज क्या था आपने? मेहनत का राज तो कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हुई ऑनलाइन में। लेकिन जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि ऑनलाइन में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है और कि हमारे टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, लेकिन हमारे टीचर्स ने तो हमें बहुत मेहनत की हमारे साथ और अच्छा पढ़ाया। अच्छा, मसूरी से करा? GNFC बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ से मैंने किया। दीदी एक बार प्लीज बोल दो कि इस वीडियो को लाइक करो। अच्छा, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है। गाइस देखो अब टॉपर दीदी बोल रही है हमारी, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो दीदी चलो अब चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। सो गाइस आज के लिए इतना था, सो बाय। हंसी हंसी बचानो।